कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों में यदि ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसका प्रयोग हमारे ज्यादातर किसान भाई करते हैं, लेकिन इसके रख रखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ट्रैक्टर में डीजल की अधिक खपत होती है और जल्द ही खराब हो जाने की वजह से मरम्मत पर खर्च भी अधिक होता है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई किस तरह से करें ट्रैक्टर की मरम्मत और देखरेख, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय गंजबा सौदा के डॉक्टर सतीश शर्मा। जैसा कि आज का विषय है, ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन और देखभाल कैसे करें। ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर है जिसके द्वारा कम गति और अधिक खिंचाव वाला, अधिक लोड वाला कार्य लिया जाता है। सबसे पहले इसके टायर के बारे में बताऊंगा। टायर घिसे नहीं, टायर के ऊपर जो लक्स हैं अथवा जो गुटके हैं वो बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो रिवोल्डिंग करके और या नया टायर पीछे लगाना जरूरी है, अन्यथा जो है खिंचाव शक्ति का, ड्राफ्ट का नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगले पहिए में ट्रैक्टर में हवा का जो दबाव है वो जो है ज़्यादा PSI होता है, अधिक रखा जाता है। पिछले पहिए में हवा का दबाव कम रखना चाहिए, क्योंकि हम जो खिंचाव वाला कार लेते हैं और ट्रैक्टर क्या चिपक के चलना चाहिए, जिससे हमको ड्राफ्ट ज़्यादा मिलेगा। डीजल की कुशल बचत के लिए मैं आपको उल्लेखित करना चाहूँगा कि डीजल की जो लाइन में यदि हवा आ जाती है तो हमारे चालक को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ है, उस हवा को तत्काल निकालें। उसके बाद जो है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को समय समय पर 150 घंटे की ट्रैक्टर का जब प्रचालन हो जाए तो 150 घंटे के बाद बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डीजल के छन्ने हैं, डीजल की उचित देखभाल करते हैं। इसके अलावा आप जो डीजल उपयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कभी भी कोई दूसरा पदार्थ जैसे केरोसिन इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनके प्रयोग से पानी के निकास पर विपरीत अंतर पड़ता है और पंप की कार्य करने की अवधि कम हो जाती है। इसलिए आप मिलावट कदापि न करें और पंप में डीजल हमेशा छान कर डालें। और इसके बाद लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन प्रणाली में अपन डिपस्टिक से हमारा चालक जांच लेता है कितना जो है ऑयल सम्प में ऑयल भरा हुआ है। लगभग 20 से 25 लीटर ऑयल भरा जाता है। ऑयल सम्प जो है इंजन के नीचे रहता है, सबसे नीचे, डिपस्टिक खोलकर और डिपस्टिक में ऑयल का लेवल नाप लेते हैं और ऐसे ही 40 क्वालिटी का 40 नंबर ग्रेड का ऑयल जो है भरना चाहिए। और ये जो है अतिरिक्त हीट को निकालता है, लुब्रिकेशन करता है, घर्षण को कम करता है, इससे पुर्जे कम घिसते हैं, इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी आयु बढ़ जाती है और ट्रैक्टर कम बोर मांगता है। अगर जो है इसलिए प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं करेगी, हमारा इंजन जल्दी ही नीला या सफ़ेद धुआं देगा।